दस हजार स्पेशल सर्वे, सर्वे अमीन का हमने और पदाधिकारियों का बहाली किया और बहाली करके अभी हमारा तीन महीने का उनका ट्रेनिंग है और तीन महीने के बाद पूरे बिहार के एक एक जमीन का दो बार दाबा आपत्ति कर सकते हैं जमीन मालिक और मैंने पहले भी कहा और मैं आज भी कह रहा हूं कि मैंने जब मंत्री पद का कुर्सी संभाला तो एक बात जो मैंने मीडिया के बीच भी कहा पदाधिकारियों को भी कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा एक ऐसा मंत्री जो कि अपने आप को पहले भ्रष्टाचार मुक्त करने का संदेश दिया मैंने सीओ और पदाधिकारी को तो बाद में यह बात बताया लेकिन सबसे पहले मैंने ऑंगली अपने कुर्सी पर उठाया कि ये कुर्सी ईमानदार होना चाहिए तो मैं अपनी ईमानदारी की बात का तो पुख्ता कर दिया लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि राजस्व विभाग के अंदर जो भी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं भ्रष्टाचार का कोई शिकायत हमको नहीं मिले क्योंकि हम किसी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करना चाहते लेकिन जब आप भ्रष्टाचार कीजिएगा तो बक्से नहीं जाइएगा किसी भी सूरत में नहीं बक्से जाइएगा क्योंकि आम जनता को जब दिक्कत होगा सरकार क्यों है सरकार उसी आम जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा से सैलरी देता है मंत्री को भी और पदाधिकारी को भी आप जब दो लीटर पेट्रोल लेते हैं मोटरसाइकिल में तो दो लीटर पेट्रोल में ही आप अस्सी रुपया टैक्स देते हैं सरकार को गरीब टैक्स ज्यादा देता है इस देश में और उस गरीब के गाढ़ी कमाई का पैसा इन पदाधिकारियों को वेतन में मिलता है और मंत्री को भी जो है सारा सुख सुविधा प्राप्त होता है तो क्या मंत्री और पदाधिकारी का यह फर्ज नहीं है कि जनता का कोई शिकायत नहीं आए जनता को हम सही तरीके से उनका अधिकार और उनका जो भी काम है उसको पूरे जिम्मेवारी के साथ निभाए तो मैं अपने विभाग के पदाधिकारियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप कर्तव्य का निर्वाहन जिम्मेवारी का निर्वाहन ईमानदारी से कीजिए उसके बाद आपका मंत्री आपके पीछे खड़ा रहेगा ईमानदार जो भी ईमानदार हमारे पदाधिकारी हैं उनको तख्त ताज पर बैठा के रखा जाएगा उसकी सबसे ज्यादा मैंने ये कर दिया है कि प्रत्येक महीना हम अच्छे ऑफिसर को सम्मानित करेंगे लेकिन शिकायत नहीं आना चाहिए क्योंकि गंध दुर्गंध फैल गया है जब गरीब आदमी कोई बोलता है कि हमारा म्यूटेशन बिना पैसा लिए नहीं होता है अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी का चार चार दलाल रहता है तो मुझे अपने आप पर शर्म आता है कि मैं राजस्व विभाग का मंत्री हूं तो मेरे दिल के अंदर जो इस तरह की आवाज है उसको मेरे पदाधिकारियों को सुनना चाहिए आप ईमानदारी से काम कीजिए मैं आपको इज्जत दूंगा मैं आपको प्रतिष्ठा दूंगा हमारे यहाँ कोई बड़ा अधिकारी डायरेक्ट कोई म्यूटेशन और ये सब का काम नहीं करता है वो इस विभाग में लागू नहीं होता है यहां पर जो भी काम है वो सीओ और एलआरडीसी स्तर पर ही होता है उसके ऊपर हमारे यहाँ कोई काम जनता का नहीं आता है नीचे ही होता है सबका नहीं वो तो अखबार में आया है उनके उनके ऊपर जो अभी आरोप लगा है निलंबन का मतलब होता है कि हम सही तरीके से वो अगर वहां पर रहेंगे तो जांच प्रभावित होगा इसलिए हम लोग निलंबित करते हैं कि जांच प्रभावित नहीं हो हम जांच करेंगे और जांच करने के बाद जो डीएम का रिपोर्ट आएगा अगर वो उस जांच में पाए गए कि नहीं वो निर्दोष है तो निलंबन का तो यही होता ही उसके बाद निलंबन वापस हो जाता है देखिए जमीन की समस्या जो है मैंने कहा कि 1890 में पहला सर्वे हुआ था जिसको एमएस सर्वे सी एस सर्वे बोलते हैं और उसके 100 साल बाद फिर उन्नीस में रिवीजन सर्वे शुरू हुआ 30 साल तक सर्वे चला और रिवीजन सर्वे उस समय के सरकार के अकर्मण्यता या इच्छा शक्ति कमी होने के कारण वो सही सर्वे रिविजन सर्वे नहीं हो पाया और जमीन का जब सही रिकॉर्ड और सही सर्वे सरकार के पास है ही नहीं तो विवाद तो होगा ही इसीलिए मैंने मंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहला काम किया कि हम पहले सर्वे कराएंगे जमीन का दस हजार स्पेशल सर्वे सर्वे अमीन का हमने और पदाधिकारियों का बहाली किया और बहाली करके अभी हमारा तीन महीने का उनका ट्रेनिंग है और तीन महीने के बाद पूरे बिहार के एक एक जमीन का दो बार दाबा आपत्ति कर सकते हैं जमीन मालिक और एक एक जमीन का सारा डिटेल जिसको कहते हैं भूमि का भविष्य हम पोर्टल पर डाल देंगे उसके बाद विवाद समाप्त हो जाएगा किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा तो ये सरकार चाहती है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि जमीन का सर्वे होकर एक एक जमीन का पूरा भाग्य जो है लिखा रहे पोर्टल पर कि यह जमीन का क्या स्थिति है कौन मालिक है और इसमें कोई उसके बाद सीओ का, का काम दलाल का, का काम राजस्व कर्मचारी का, का काम जो राजस्व कर्मचारी के साथ कुछ लोग एजेंट लोग रहते हैं किन्हीं का कोई इंटरफेयर तब नहीं हो पाएगा और का भी काम बहुत कम